हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानरुचि में बहुत बहुत स्वागत है। सुबह के 9 बज चुके हैं और हमने अपने सारे काम कर लिए हैं। नहाना धोना भी हमारा हो गया है, ब्रेकफास्ट भी हमने कर लिया है। आज संडे का दिन है तो आज थोड़ा सा बिजी डे रहता है, क्योंकि आज सब घर ही पे रहते हैं तो हमें थोड़ा टाइम कम मिल पाता है। फ्रेंड्स, कल सैटरडे था और सभी लोग रात में देर तक टीवी देखते रहे, जिसकी वजह से हम लोग सुबह आज थोड़ा लेट हो गए हैं। उठने में हमें थोड़ा सा देरी हो गई है, तो आज हमारे बच्चों ने भी बहुत देर में ब्रेकफास्ट किया है, तो आज हमारे बच्चों को भूख नहीं लगी है। आज बच्चे बोल रहे हैं कि उनका भिंडी की सब्जी और चावल खाने का मन है, आज मुझे रोटियां नहीं बनानी पड़ेंगी, तो आज मुझे सिर्फ भिंडी की सब्जी और चावल ही बनाना है। तो चलिए देखते हैं, हम अपने खाने की तैयारी करने जा रहे हैं। फ्रेंड्स, आप सभी लोग हमारे साथ बने रहिएगा। ये हमने भिंडी काट कर रख ली है। फ्रेंड्स, हमने दूध को पका लिया है, दूध हमारा पक चुका है। अब हम सब्जी छौंकेंगे। सब्जी छौंकने के लिए हम कढ़ाई रखते हैं। कढ़ाई हमने रख दी है, गैस को हमने ऑन कर दिया है और अब हम सब्जी छौंकने के लिए हम प्याज कट करेंगे। अभी हमने प्याज नहीं कट किया था, हमने सिर्फ भिंडी काट कर रख ली थी। जब हम ब्रेकफास्ट करके फ्री हुए थे तो हमने भिंडी काट कर रख ली थी और अब हम इसको छौंक देंगे। तो हम प्याज कट कर रहे हैं और प्याज कट करने के बाद हम कढ़ाई में तेल डालेंगे और तेल जब हमारा गर्म हो जाएगा तब हम प्याज पका लेंगे। तो तेल हमारा गर्म हो चुका है और अब हम प्याज डालकर पकाएंगे। फ्रेंड्स, मेरा चाय पीने का मूड हो रहा है तो हम दूसरे चूल्हे पर चाय बना लेंगे अपने लिए, क्योंकि ब्रेकफास्ट किए हुए काफ़ी टाइम हो गया है। हमने सुबह 9 बजे के करीब ब्रेकफास्ट किया था और फ्रेंड्स अब 11 बज गए हैं, तो 2 घंटे हो गए हैं ब्रेकफास्ट किए हुए। तो हमने एक तरफ चाय भी रख दी है, चाय हमारी पक रही है, और दूसरी तरफ हम सब्जी छौंकेंगे, सब्जी पकाएंगे, ताकि हमारा खाना भी लेट ना हो पाए, टाइम से हमारा खाना बन जाए। तो ये हम चाय बना रहे हैं और एक तरफ हम भिंडी की सब्जी पका रहे हैं। अब हम हमारा तेल गर्म हो चुका है तो हम प्याज डालकर पका लेंगे, अच्छे से भून लेंगे। प्याज भुन जाने के बाद हम इसमें भिंडी डाल देंगे। आज हम बिल्कुल सादी भिंडी बनाएंगे, बिल्कुल भी चटपटी नहीं बनाएंगे, मसालेदार बिल्कुल भी नहीं बनाएंगे हम। हमने सिर्फ 2 हरी मिर्ची डाली है, ज़्यादा तीखा हम नहीं बना रहे हैं, बिल्कुल सादी भिंडी बनाएंगे। चाय हमारी पकने लगी है, अब हम चाय में अदरक डाल देंगे, क्योंकि हमारा दूध खौल चुका है। अगर हम बिना खौले दूध में अदरक डाल देंगे तो हमारा दूध फट जाएगा, हमारी चाय बेकार हो जाएगी। इसलिए जब हमारी चाय पकने वाली हो गई है तब हम इसमें अदरक डालेंगे और अदरक में अच्छे से उबाल आने तक हम इसको धीमे आंच पे पकाएंगे। फ्रेंड्स, इधर हमारा प्याज पक चुका है और हम भिंडी को डालकर अच्छे से पका लेंगे। तो हमने भिंडी छौंक दी है और हमारी चाय भी बनकर रेडी होने वाली है। जब तक हमारी चाय में उबाल आएगा तब तक इधर हम अपनी सब्जी को भी छौंक देंगे अच्छे से। मिर्ची हमने डाल दी थी, अब हम थोड़ी सी हल्दी डाल देंगे। हल्दी डालने के बाद हम इसको किसी बर्तन से ढक देंगे। नमक हम अभी नहीं डालेंगे, नमक अगर हम अभी डाल देंगे तो हमारी भिंडी की सब्जी पूरी गीली हो जाएगी, लसलसापन इसमें आ जाएगा। जब हमारी भिंडी की सब्जी पक जाएगी तभी हम इसमें नमक ऐड करेंगे। जब हमारी भिंडी
अच्छे से पक जाएगी, हम तभी नमक डालेंगे, इससे हमारी भिंडी की सब्जी सूखी सूखी सी बनेगी फ्रेंड्स। तो ये हमने हल्दी डालकर गैस को बिल्कुल स्लो फ्लेम पे कर दिया है और हमारी उधर चाय बनकर रेडी हो गई है। तो अब हम चाय निकाल लेंगे और अच्छे से बैठ करके इत्मीनान से चाय पियेंगे, क्योंकि चाय अगर मुझे नहीं मिलती है तो मेरा सर दर्द होने लगता है, इसलिए सुबह के टाइम मुझे दो चाय चाहिए होती हैं। सबसे पहले तो सुबह नहाने धोने के बाद मुझे एक चाय मिल चाहिए और उसके बाद 11 बजे के करीब मुझे दूसरी चाय चाहिए। तो ये एक चाय तो मैंने पी ली है और दूसरी चाय भी हम पीने जा रहे हैं। हम चाय बाद में पियेंगे, पहले हम चावल को बीन कर रख लेंगे ताकि हमें लेट ना हो पाए खाने में। जब तक हमारी सब्जी पकेगी तब तक हम चाय पी लेंगे और जब हमारी चाय ख़त्म हो जाएगी तो हम उसके बाद चावल डाल देंगे और हमारा चावल भी टाइम से पक जाएगा, समय पे खाना हमारा तैयार हो जाएगा फ्रेंड्स। तो चाय हमने छान ली है, अब हम चाय पी लेंगे। ये हमारा चाय पीने का बहुत मन हो रहा था तो इसीलिए मैंने चाय बनाई है, एक कप चाय बनाई है। बच्चे दोबारा चाय नहीं पीते हैं, एक बार पीने के बाद उनको दोबारा चाय नहीं चाहिए होती है। बच्चे हमारे बिल्कुल चाय नहीं पीते हैं, वो सिर्फ़ बिस्कुट या ब्रेड को डीप करने के लिए ही चाय लेते हैं और जितनी भी चाय बच जाती है पूरी फेंक देते हैं। घर में सबसे ज़्यादा चाय पीने का शौक़ सिर्फ और सिर्फ मुझे है, तो मैंने चाय पी ली है। और अब फिर हम अपने किचन में आते हैं और अपना चावल देखते हैं। अब हम चावल पकाएंगे, तो चावल के लिए मैंने पानी चढ़ा दिया है बर्तन में। जब ये हमारा पानी खौलने लगेगा तब हम चावल धुल के डाल देंगे। तो हमने पानी रख दिया है गैस पर और सब्जी हमारी अभी धीमी आंच पे पक रही है। फ्रेंड्स, हमने सब्जी पका ली है और चावल भी हमारा पक गया है। सब्जी चावल हमने पका दिया है, बेटी के लिए खाना हम निकाल रहे हैं। बिटिया को हमारी भिंडी की सब्जी बहुत ज़्यादा पसंद है, उसको अगर पता चलता है कि भिंडी की सब्जी बनी है तो वो उसको बहुत ही जल्दी भूख लग जाती है, बहुत जल्दी भूखी हो जाती है। वो 7th क्लास में है और उसकी ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं, लेकिन आज संडे है तो आज कोई क्लास नहीं चल रही है तो वो घर पर ही है। लेकिन उसकी आदत है खाना जल्दी खाने की, तो हम उसके लिए ही जल्दी करते हैं।